हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान विद मुस्कान। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी के बारे में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, मैं उनकी बायोग्राफी लेकर आई हूँ, बट शॉर्ट में लेकर आई हूँ। सो प्लीज़ गाइस, वीडियो का एंड तक ज़रूर वॉच करिएगा। सो गाइस, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी जी का बॉर्न 2 अक्टूबर 1869 हिंदू मोड फैमिली पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इनके फादर का नेम करमचंद्र गांधी, वो एक चीफ मिनिस्टर थे सिटी ऑफ पोरबंदर के। इनकी मदर का नेम था पुतलीबाई, वो फोर्थ वाइफ थी करमचंद गांधी जी की। गांधी जी का बॉन्ड वैश्य कास्ट में हुआ था। गांधी जी जब 13 ईयर ओल्ड के थे, तब उन्होंने मैरिट करी थी कस्तूरबा से। गांधी जी ने अपने लॉ की स्टडी करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे गए ओनली फॉर 1 ईयर के लिए। फिर गांधी जी यूनिवर्सिटी ऑफ लंडन गए, फिर वहाँ से ग्रेजुएटेड हुए 1891 में। गांधी जी रिटर्न हुए बॉम्बे से, तब उन्होंने प्रैक्टिस करी लॉ की। देयर फॉर वेंट टू साउथ अफ्रीका टू वर्क फॉर एन इंडियन फर्म इन नटाल। इन 1844 गांधी फाउंडेड द नटाल इंडियन कांग्रेस। गांधी बिकेम द फर्स्ट नॉन वाइट लॉयर टू बी एडमिटेड टू द बार इन साउथ अफ्रीका। फिर गांधी जी ने ऑर्गेनाइज किया इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स ऑफ 300 इंडियन वॉलंटियर्स एंड हंड्रेड्स ऑफ एसोसिएट्स टू सर्व वाउंडेड ब्लैक साउथ अफ्रीकन्स। फिर गांधी जी ने डेकोरेटेड किया करेज एट द बैटल ऑफ स्पिनियन कॉप। फिर 1906 में गांधी जी फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज किया नॉन वायलेंट अगेंस्ट द ट्रांसवर्सल ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्ट। फिर गांधी जी बैक हुए इंडिया में, तब गांधी जी बहुत एक्टिव हुए स्ट्रगल मूवमेंट में, इंडिया इंडिपेंडेंस में बहुत एक्टिव हुए। फिर 1918 में गांधी जी ने अपोज किया इंक्रीज इन टैक्स बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, डिवर्शन ऑफ फेमाइन। फिर गांधी जी अरेस्ट हुए चंपारण स्टेट ऑफ बिहार में। फिर उन्होंने वहाँ पे उन्होंने जेल के अंदर ही उन्होंने हंगर स्ट्राइक करी और थाउजेंड्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ उन्होंने इतने अपने सपोर्टर्स भी जेल के अंदर ही बना लिए थे। गांधी जी का नेम बापू पीपल ने बहुत प्यार से पाड़ा था। गांधी जी फिर लीडर बने, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के लीडर बने। फिर तब गांधी जी ने लॉन्च किया स्वराज कैंपेन फॉर इंडिया इंडिपेंडेंस एंड नॉन कॉरपोरेशन ब्रिटिश अथॉरिटीज़। फिर गांधी जी ने मार्च 12 से लेकर अप्रैल 6, 1930 को गांधी जी ने मेड किया फेमस सत्याग्रह एट द सॉल्ट टू डैंडी। फिर गांधी जी ही वॉल्ड फूड टू द ओशन इन द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश सॉल्ट मोनोपोली एंड सॉल्ट टैक्स। गांधी जी ने कंपेन किया, इम्प्रूव किया अनटचेबिलिटी को, इम्प्रूव किया उसमें इंक्लूड करा राइट टू वोट, जितने भी कास्ट है उसमें वो वोट दे सकते हैं। फिर गांधी जी ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में गांधी जी ने ये डिक्लेयर किया कि इंडिया कुड नॉट बी पार्टी टू दिस वॉर। फिर जब क्वाइट इंडिया हुआ, तब गांधी जी उसमें बॉम्बे में थे, वो 2 ईयर्स के लिए उसमें अरेस्ट हुए। फिर गांधी जी उसी बीच में गांधी जी की वाइफ थी वो ऑफ हो गई। फिर उसके बाद इंडिया वॉन हुआ और वो फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंस बना 1947 में। गांधी जी ने लॉन्च किया फास्ट इनटू डेथ कैंपेन, दिल्ली में उन्होंने लॉन्च किया। गांधी जी ने पाकिस्तान को रुपीस भी दिए, ऑनर भी दिए पार्टीशन एग्रीमेंट के लिए, इसलिए उनको फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है। आप इमेजिन कर सकते हो कितने अच्छे थे, इसलिए उनके रुपीस में भी उनकी पिक आती है। अब इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर लेते हैं। गांधी जी की वाइफ का नेम कस्तूरबा एंड इनकी मदर का नेम पुतलीबाई एंड इनके फादर का नेम करमचंद गांधी था। अब इनके डाइट की बात कर लेते हैं। गांधी जी को 3 बार गोली मारी थी, 3 टाइम्स गोली मारी थी, चेस्ट में मारी थी, तभी प्रेयर कर रहे थे। 30 जनवरी 1948 को इनकी डाइट हो गई थी। सो गाइज, इतने अच्छे फादर ऑफ नेशन का हम जरूर एक बार सैल्यूट करेंगे। सो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जैसे हमारे नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच पाए इसलिए। सो ओके फ्रेंड्स, बाय।